दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल गगन गेमिंग पर। दोस्तों और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म बना सकते हो। क्या बोलूँ यार, ऑटोमेटिक चिकन फार्म आप कैसे बना सकते हो अपने पीसी के अंदर। जो मैंने पहली बार बताया था वो पी के अंदर था। आप वो बना सकते हो अपने एंड्रॉयड के अंदर। अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है उसे कैसे बनाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जाकर कमेंट में टाइप कर दीजिएगा आई वांट टू मेक एंड फॉर एंड्रॉयड, तो मैं बना दूंगा आपके लिए। और दोस्तों अब तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार। दोस्तों आपको आपके लिए इतना इससे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोज़ बनाने में, ठीक है, इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल गगन गेमिंग को, ठीक है। और मैं दोस्तों मैं मिलता हूँ यार, क्या मिलता हूँ यार, वीडियो तो शुरू तो हो रही है। और चलो बिना टाइम पड़े लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया शुरू हो गया वीडियो। और दोस्तों चलो सबसे पहले दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर ग्रास लगकर बनाना चाहता हूँ। अच्छा लगता है ग्रास। मैंने पूरा का पूरा ग्लास को हटा दिया, क्यों मेरे को पता नहीं, इतना पागल बन रहा हूँ इसलिए। और चलो यार इस ग्लास को लगकर यहाँ पर शुरू कर देते हैं वीडियो को। और दोस्तों उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए चलो दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ पर है यार चेस्ट, हेलो चेस्ट, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपके लिए मेनली चीज़ें चाहिए होंगे ये, ठीक है, ये आपको ये चाहिए होंगे। और मैं उन्हें आपके सामने लेना चाहता था इसीलिए आपको माइंड कार्ड चाहिए होगा। माइंड काट की तरह ही होगा वो, शायद रेल के अंदर होगा। आपको ये चाहिए, ये, और आपको स्लैब चाहिए। आप कोई सा भी आप लोग डिजाइन मतलब आपके मर्जी से आप ले सकते हो। और ग्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको आप लोग कोई सा भी स्लैब भी चूज कर सकते हो और वैसा भी ग्लास चूज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक होल आप रख सकते हो कि नहीं यार, क्या क्यों मूव नहीं हो रहा। हाँ सबसे पहले आप होल रख, आप लोग होल के अंदर चेस्ट रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि होल के अंदर रखो, ठीक है। और इसके बाद आपको इस तरीके से हॉपर को इस चेस्ट से कनेक्ट करना है। दोस्तों कनेक्ट करने के बाद रेल मैंने लिया ही नहीं यार, रेल को उसके ऊपर आपको रखना है। दोस्तों आप लोग अगर बिना क्राउच किए आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नहीं लगेगा, आपको क्राउच कर इस तरीके से लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है और उसके पीछे एक ब्लॉक रख लीजिएगा, आपकी रैंडम सी ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले उसके ऊपर आपको स्लैब रख देना है। आप कोई सा भी स्लैब रख सकते हो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ पहले आप कोई सा भी स्लैब रख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है आप लोग कोई सा भी स्लैब। और दोस्तों आपको डिस्पेंसर आप रख लीजिएगा इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो आप डिस्पेंसर को इस तरीके से रख लीजिएगा फेसिंग, मतलब आपको इस तरफ फेस करना चाहिए कि अंडे यहाँ पर फूट जाए, ठीक है, अंडे फूट जाए। और उसके ऊपर आपको इस स्लैब के ऊपर खड़े होकर क्राउच कर इसके ऊपर ये लगा देना है और थोड़ा काम हो गया। उसके बाद आप डेकोरेट कर लीजिए, आपको कैसे आप डेकोरेट करना चाहते हो। यार मैं बंदी हो रहा हूँ और पट से, ठीक है, इस तरीके से मैं लगा ले रहा हूँ। और दोस्तों लावा के बकेट के बारे में तो मैं भूल ही गया, आपको वो भी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी मर्जी से आप लोग इसे डेकोरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको एक हॉपर चाहिए होगा। अब हॉपर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इसे कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको कनेक्ट करना ही होगा दोस्तों, बिना कनेक्ट किए आप लोग नहीं खेल पाएगा अच्छी तरीके से। और पट से मैं लगा देता हूँ, मेरे एक ही बटन काम नहीं कर रही है, देखूंगा मैं इसे काम करने की कोशिश करवाऊंगा बाद में। और देख सकते हो पहले
टाइम सेट डे ये कर लेता हूँ, रात हो रही है। और दोस्तों उसके बाद आप कारपेट ले लीजिएगा, ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कारपेट रख सकते हो, रख भी नहीं सकते दोस्तों, ग्लास यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइन के लिए रख रहा हूँ, आप रख सकते हो, इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्लैब ही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे रखना है दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ इसे रखना है इस तरफ फेसिंग जो, ठीक है, इसे ऑन नहीं करना इस तरीके से, ऑफ को ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्राउच कर एक ऑब्जर्वर किया, मैं बोलने पा रहा ऑब्जर्वर आपको इस तरीके से रखना है, जैसे कि ये डॉट ऊपर रहे और ये जैसे कि देख सकते हो ये ऑब्जर्व कर रहा है इसे, यार उड़ जा। और उसके बाद यहाँ पर हमारे चिकन बैठेंगी, ठीक है, इसके ऊपर भी आप रैंडम के लिए रख सकती हो क्योंकि आप मतलब क्या कर वो बोलो यार चिकन से अंदर जाएंगे, इसीलिए अगर आप अंडे से नहीं डायरेक्टली लेना चाहते हो तो आप लोग एक रास्ता बना सकते हो और यहाँ पर एक बटन रख सकते हो कि, और यहाँ पर एक यहाँ पर आप स्टैंड हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे और अंदर गिर जाएंगे और आपको ब्लॉक रखना होगा, ठीक है, उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको चिकन के एग्स लेने होंगे, ये वाला एग्स आपको मिल जाएंगे सर्वाइवल के अंदर, पर ये वाला एग्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर रख लेना है थोड़े चिकन्स, ज़्यादा मत रखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं रखना आपके वो मर जाएंगे, ठीक है। थोड़े रखने के बाद आपको ऑब्जर्वर लेना है और इस कुछ ग्लास को तोड़ना नहीं है, और आपको ऑब्जर्वर इस तरीके से रखना है जैसे कि ये इस तरफ ये डॉट रहे और ये ऑब्जर्व करे इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद आपको रेड स्टोन को लेना है और रेड स्टोन इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है, इन तीनों के ऊपर इस तरीके से आपको डालना है रेड स्टोन को, ठीक है, रेड स्टोन का आपको डालना होगा इस तरीके से जैसे कि मैंने लगाया वहाँ से यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपका ये ऑलमोस्ट काम ख़त्म, और आपको लावा चाहिए, ओ माय गॉड मेरा ए बटन काम नहीं कर रहा ना, ये कैसे दबाऊँ, अब ये नहीं दब रहा यार, लावा के बकेट को ढूंढना होगा, काश मिल जाए, आपको पहले से ही लेकर रखना चाहिए था। कहाँ पर है यार, यल में देख सकते हैं तो मिल जाएंगे, लावा 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 लावा, शायद इसके अंदर मिल जाएंगे, नहीं इसके अंदर भी नहीं, मैं किसी के अंदर तो मैंने देखा है जब नीचे आएंगे तो वाटर बकेट लावा वो सब कुछ होते हैं, शायद इसके अंदर, वरना शायद वो है पी माइनक्राफ्ट पी के अंदर, मैं जैसे कि आपको जानते हो कि मैं पी भी खेलता हूँ, मैं एल यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ढूंढता हूँ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, उस समय पॉज कर देता हूँ जब तक मैं लावा बकेट लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लावा बकेट को ढूंढ लिया, और आप लावा बकेट को यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर सकते हो, वरना आप लोग इसके अंदर रख सकते हो, मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ हमेशा रहे कि, और आप लोग इसे बंद भी कर सकते हो, बंद भी नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप लोग ओपन रखना चाहते हो तो ओपन रख सकते हो, पर दोस्तों इसके ऊपर रहना चाहिए ये, अगर आप यहाँ पर भी रखना चाहते हो तो, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से आप रख सकते हो। ओ यार ये तो काम नहीं कर रहा ना, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, देख सकते हो दोस्तों। और हमारा चिकन फार्म बन चुका है, ये जैसे ही अंडे देंगे दोस्तों ये यहाँ पर आएंगे, आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसके अंदर मैं इस अंडे को रख देता हूँ, और जैसे ही ये एक अंडा देंगे ये चिकन बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर वेट करता हूँ अंडे दे, वरना मैं ई के अंदर जाकर ई जी एग्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक स्टैक, ये भी एक स्टैक ले लेता हूँ, और ये ज़्यादा लेता हूँ यार, आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं, ठीक है, मैंने ले लिए जैसे कि शायद वो आ गया होगा, नहीं यार ये अंडे नहीं देते, अंडे नहीं देते, कितने गंदे बच्चे हैं,
चलो आगे थोड़ी चलते हैं, और यहाँ पर मैं इन अंडों को रख देता हूँ, अंडे। और ये जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये बड़े वाले मतलब अगर आप छोटे वाले डालेंगे तो छोटे बच्चे यहाँ पर आएंगे, और छोटे बच्चे बड़े होने के बाद वो मर जाएंगे। मैं अभी बड़े वाले डाल रहा था बस, और कुछ नहीं। यार ये क्यों नहीं फूट रहे? अच्छा, आपको एक दोस्तों एक एक कर कर वो अंडे छोड़ते हैं ना। मैं एक ही बार में सब कुछ डाल दिया यार मैंने, यार लैग लैग लैग। ठीक है, मेरी बैटरी भी लो है। और दोस्तों आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही दोस्तों, और आपको काश ये वीडियो पसंद आ गया, और मैं मिलता हूँ ऐसी दासू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद गाइस।